तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ। और गाइस आप देख सकते हो आज हमारे पास क्या है। तो यस, आज हमारे पास है कुछ बहुत ही गजब का। तो गाइस आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं क्वाड ड्राइव सेट। तो इसमें हमें मिलने वाला डायनामाइट बेरियल और स्टेडियम इफ्रित ऑलरेडी गाइस एक बंदे ने ले लिया है। तो अभी अपने पास ये सिर्फ दो चीजें हैं। तो आज हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हैसब्रो का क्वाड ड्राइव सिस्टम कैसा है। तो यहाँ पे बेरियल और स्टेडियम के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाक से इसको खोलते हैं और देखते हैं कैसा है हैसब्रो का क्वाड ड्राइव सिस्टम। तो हाय गाइस, हमने अनबॉक्स कर लिया है अपना सेट। तो फ्रेंड ने दरअसल मेरे लिए सेट मंगाया था और उसको चाहिए था सिर्फ इफ्रित, तो बाकी सामान अपने पास आ गया है और इफ्रित उसके पास चला गया है। तो गाइस वो इफ्रित बेसिकली लिया है व्हाइट टायरेंट ब्लेडर ने और उन्होंने ये हेल्प किया है स्टेडियम को, इस सेट को इंडिया लाने में। तो यस गाइस, ये अभी मुझे यार काफी गजब का लग रहा है। और इसमें सबसे गजब की चीज है गाइस ये स्टेडियम, क्योंकि ये स्टेडियम सच में काफी अमेजिंग है। और यार स्टैंडर्ड बर्स से मैं भी बोर हो गया हूँ, कुछ अलग करने का मन है। और ये स्टेडियम सच में एक अच्छा स्टेडियम साबित होगा और मुझे लगता है यार, तो इसमें हम सारे बैटल्स ट्राई करेंगे। तो अभी के लिए इस पे बात कर लेते हैं गाइस। तो ये थोड़ा सा अजीब सिस्टम है, हैसब्रो का सिस्टम है। डिस्क बस एक ऐसी चीज है जो हमें वहां पे सेम मिलती है। और गाइस ये है ड्राइवर, तो इनके ड्राइवर भी काफी अच्छे होते हैं। तो ये ड्राइवर वाला पार्ट मुझे हैसब्रो का काफी अच्छा लगता है। और गाइस इसमें दो मोड है बेसिकली ड्राइवर में। तो अगर आप इसको हटा दोगे तो ये गाइस स्टैमिना टाइप का ड्राइवर हो जाएगा, और आप इसको लगा दोगे तो ये वेंचर वाला पूरा फील देगा। और इसमें रबर नहीं है तो प्योर फ्लैट है, और वेंचर से ज्यादा फ्लैट है तो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है। और इधर गाइस बात करें तो वही टू आर्मर मिलता है, बट ये एकदम हल्का प्लास्टिक का है कि ऐसे छोड़ दो तो कहो उड़ने लगे हवा में, इतना हल्का है। और गाइस ये रहा इसका कोर या डीबी कोर या जो भी ये लोग बोलते हो मुझे नहीं पता। और ये है इनका ब्लेड। तो जिस हिसाब से गाइस इनका कोर और ब्लेड है, मुझे नहीं लगता ये गियर्स को सपोर्ट कर पाएगा। तो मुझे नहीं पता इसमें एल गियर फिट होगा कि नहीं होगा, मुझे चांसेस कम ही लग रहे हैं गाइस, बट किसी और दिन हम ट्राई करेंगे। अभी के लिए गाइस ऐसे ही लगा देता हूँ। एस गियर आप लगा सकते हो, और इसकी शेप की वजह से इसमें वी गियर भी नहीं लग पाएगा गाइस, तो ये एक अलग सा प्रॉब्लम है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो यस गाइस ये एक अलग सा प्रॉब्लम है। और ये बे बहुत ही हल्का है, बट लॉन्चर जो इसके साथ गाइस हमको मिला है, ये हैसब्रो का गाइस हमें LR लॉन्चर मिला हुआ है, तो मुझे लगता है लॉन्चर काफी पावरफुल फील हो रहा है। देखते हैं गाइस ट्राई करके। सो लेट इट ट्रिप। तो गाइस लॉन्चर काफी अच्छा है और क्वाड लेवल्स पे पहुंच नहीं पा रहा है अपना बे, सेकंड लेवल तक ही जा पा रहा है। तो क्वाड ड्राइव इसीलिए बोलते हैं गाइस क्योंकि इसमें क्वाड लेवल्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। और स्टेडियम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी अग्रेसिव बैटल्स हो सकती हैं इसमें मेरे हिसाब से, और मेटल में तो मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइस लॉन्चर का पावर भी अच्छा है, टेस्ट पिन भी सही था। अब एक टेस्ट पिन बनता है अपने लॉन्चर से जो अपना डीबी लॉन्चर होता है गाइस। और गाइस इसमें टीथ वीथ नहीं होते, स्लोप होते हैं, तो ये एकदम ऐसे खुल जाता है, बहुत आसानी से बर्स्ट होता है। और मैं दिखाता हूँ कितनी आसानी से, पहले टेस्ट पिन करते हैं गाइस। लेट इट ट्रिप। और जैसा कि मैंने बोला था, ये अपने टकारा टॉमी वाले डायनामाइट बेरियल से ज़्यादा अग्रेसिव है। तो यस डिस्ट्रक्शन बेलफायर का ड्राइवर थोड़ा ज़्यादा फ्लैट है। और गाइस अब मैं दिखाता हूँ कि इसके जो स्लोप्स हैं कितने वीक होते हैं। ये देखिए, ये दिक्कत है हैसब्रो में, और उसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते हो गाइस। हो सकता है आप डैश ड्राइवर यूज़ करने से कुछ फ़ायदा मिले, बट पर्सनली आई डोंट नो यार, मतलब क्या है, मैं क्या ही बोलूँ, मैं पास कुछ है नहीं बोलने को। तो गाइस अभी के लिए क्या करता हूँ, इसका वेट करके आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये कितना हल्का बे है। तो गाइस ये रहा अपना वेइंग स्केल। और गाइस इसका वेट करने से पहले मैं आपको टकारा टॉमी वाले बेरियल का वेट दिखा देता हूँ। तो इसका वेट है गाइस 64.9 ग्राम, बहुत ज्यादा हैवी है। और इसका वेट है गाइस 44.2, तो बहुत ज्यादा हल्का है ये। तो गाइस ये टर्बो बेस के बराबर के वेट का है, तो काफ़ी ज़्यादा हल्का बना दिया है हैसब्रो ने, कॉस्ट कटिंग कुछ ज़्यादा ही कर दी मेरे हिसाब से। कोई नहीं गाइस, ये जो है सो है। तो गाइस अभी क्या करते हैं, इसका डायनामाइट बेरियल से बैटल करके दिखाता हूँ कैसा परफॉर्म करता है। सो लेट इट ट्रिप। और ओवरऑल ठीक परफॉर्मेंस है, इतना बुरा नहीं है मुझे लगता है। वही है वेट के मामले में गाइस ये मात खा जा रहा है। अगर इस पे अच्छा वेट होता तो शायद ये एक अच्छा बेस साबित हो सकता था, बट इस केस में गाइस ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, और पता नहीं क्यों ऐसा किया इन लोगों ने, बट कोई नहीं गाइस हम इसको थोड़ा सा एडवांटेज दे सकते हैं। तो मैं इसमें गाइस राफेल का डिस्क और ड्राइवर लगा दे रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, बट फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। तो गाइस काफी ज्यादा टाइट है राफेल का ड्राइवर इसमें, क्योंकि डैश ड्राइवर है। और अब इसको कुछ फायदा हो सकता है मेरे हिसाब से, देखते हैं क्या ये लेयर किसी काम की है भी कि नहीं। सो लेट इट ट्रिप। काफी साइलेंट, बहुत अच्छे। लेट इट ट्रिप। अब देखते हैं गाइस टकारा टॉमी का डायनामाइट बेरियल
डिस्ट्रक्शन बेलफायर को टक्कर दे पाएगा कि नहीं। और देख के लग रहा है गाइस डिस्ट्रक्शन बेलफायर अब अच्छा कुछ परफॉर्म कर रहा है, बट देखते हैं, जीतने मुश्किल लग रहा है मुझे इसका। और गाइस धीमा होता हुआ फिर भी हार गया, मतलब यार क्या बोलूं, टकारा टॉमी की यार बात ही अलग है। बट फिर भी गाइस ये बे अच्छा है काफी। एक बार अटैक मोड देखते हैं कि क्या अटैक मोड में जीत सकता है। ये गया टकारा टॉमी गाइस, ये गया, क्या बात है गाइस, क्या बात है, ये स्टेडियम के मजे है यार। हार गया वो अलग की बात है, बट स्टेडियम के मजे गाइस बहुत मस्त है, मजा आ गया यार, स्टेडियम गजब का है गाइस। तो यस गाइस कोई डाउट नहीं है कि हैशब्रो का डायनामाइट बेलियल या डिस्ट्रक्शन बेलफायर टकारा टॉमी जैसा नहीं है, बट यार इसकी अपनी अलग वैल्यू है, ये एक अलग अच्छा कलेक्शन आइटम है। और ये मान के चलो अगर आपके पास है तो इंडिया में बहुत कम ही लोगों के पास ये होगा, तो मेरे हिसाब से यार ये एक अच्छा बे है। और टकारा टॉमी से इसका कोई कंपैरिजन कायदे से बनता नहीं है, क्योंकि यार टकारा टॉमी अलग ही लेवल के प्रोडक्ट बनाता है। और गाइस एक अच्छी चीज अभी के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, चूंकि इसका वेट बहुत कम है तो हम लोग इस पे आर्मर चेंज कर सकते हैं अभी के लिए। तो ये आर्मर निकाल दिया हम लोगों ने और ये लगाया गाइस टकारा टॉमी का 2 आर्मर, जो कि एक अच्छा अपग्रेड है इसके लिए। और गाइस ये चीज हैसब्रो को करके देनी चाहिए थी, तो ये गलत चीज की हैसब्रो ने, मेटल आर्मर ही देना चाहिए था। तो अभी बेब्लेड का कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हुआ होगा, बट हाँ थोड़ा सा वेट में इंक्रीज है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस में इंक्रीज मिलने वाला है। और काफी ज्यादा स्क्रेप हो रहा है स्टेडियम में, लोग कर रहे हैं, बट गाइस इस स्टेडियम में मजा आने वाला है मुझे लगता है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा डिस्ट्रक्शन बेलफायर और कैसा लगा ये स्टेडियम। और अगर आपको इस स्टेडियम पे या डिस्ट्रक्शन बेलफायर पे डेडिकेटेड वीडियो देखना हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम एक डेडिकेटेड वीडियो करेंगे इस स्टेडियम में, हर एक टाइप का बे ट्राई करने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रक्शन बेलफायर का डायनामाइट बेलियल से डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। और अगर आप बोलोगे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं गाइस। लेकिन गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा और मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।